नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी एस वाई नीरसर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं मित्रों। अब संघर्ष अगर बड़ा है मित्रों, अगर मान लो बड़ा सपना आपने देखा तो बड़े सपने संघर्ष मांगते हैं मित्रों, और संघर्ष धैर्य मांगता है। तो अब संघर्ष आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा है, बस आपको पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, जिससे आपका आने वाला समय और बेहतर हो सके, बस यही कामना रहेगी। आज 17 अक्टूबर है और 17 अक्टूबर को हम लोग जो क्लास देखने चल रहे हैं, ये क्लास आपके ग्रुप 1890 से जुड़ाव रखता है। उससे जुड़ा हुआ डाटा यहाँ पे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, कुछ खास खास नाम चित्रकारों के भी देखेंगे। तो पेन पेपर उठा लीजिएगा, कुछ नया देखने को मिले तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कलाकार सामने से निकलेंगे। हो सकता है किसी की रचना, किसी की पुस्तक या किसी की आत्मकथा या किसी कला गुरु पूछ लिए जाएँ। तो अगर अपना खुद का शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, अन्यथा ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को ले डूबता है। मित्रों, ग्रुप 1890 नई दिल्ली में 1963 में स्थापित होता है। 1962 ईस्वी में दिल्ली व मुंबई के कुछ कलाकारों की बैठक भावनगर गुजरात में होती है। ग्रुप 1890 की स्थापना जे स्वामीनाथन ने की थी। ग्रुप 1890 का यह नाम देने के पीछे क्या कारण था मित्रों? यह जिस भवन में स्थापित हुआ था उसका मकान नंबर 1890 था। एक बार यह क्वेश्चन छपा है, याद रखना। नाम क्यों 1890 रखा गया? तो उसका मकान नंबर 1890 था, याद रखना है। ग्रुप 1890 की स्थापना किसके मकान पर हुई थी? तो जे पांड्या के मकान नंबर 1890 पर हुई थी। किसके मकान पे? जे पांड्या के मकान पे हुई थी। और आगे बढ़ें तो कहा जाता है मित्रों कि ग्रुप 1890 को औपचारिक रूप से स्वीकृति जो है कब मिलती है? तो औपचारिक रूप से स्वीकृति 1963 में मिलती है और नई दिल्ली में मिलती है। कब मिली? 63 में। ग्रुप 1890 का कैटलॉग अति यथार्थवादी कवि और मैक्सिको के राजदूत एक्टेवियो पाज ने किया था मित्रों, याद रखना है, एक्टेवियो पाज ने। ग्रुप 1890 के सदस्यों की प्रथम और अंतिम प्रदर्शनी 1963 ईस्वी में रविंद्र भवन नई दिल्ली में हुई, जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ग्रुप 1890 में कुल 12 सदस्य थे मित्रों, जिसमें जो नाम पूछा जाए तो उन 12 सदस्यों में जे स्वामीनाथन का नाम है, जयराम पटेल हैं, राजेश मेहरा हैं, गुलाम मोहम्मद शेख हैं, राघव कनेरिया हैं, हिम्मत शाह हैं, ज्योति भट्ट हैं, अम्बा दास हैं, एम रोडप्पा नायडू हैं, बालकृष्ण पटेल हैं, एस जी निगम हैं और उसके साथ एरिक बोवेन का नाम आता है। तो ये 12 लोग सदस्य होते हैं। इन 12 सदस्यों में से आगे कुछ नाम पढ़ते हैं, जैसे जगदीश स्वामीनाथन जो संस्थापक होते हैं, इनके बारे में देखा जाए तो जगदीश स्वामीनाथन का जो टाइम पीरियड है 1928 से 1994 ईस्वी का है। जगदीश स्वामीनाथन का जन्म 21 जून 1928 को शिमला में हिमाचल प्रदेश में हुआ था। स्वामीनाथन मूलतः तमिल थे, इनकी आरंभिक शिक्षा शिमला में हुई। जे स्वामीनाथन कला शिक्षा दिल्ली पॉलिटेक्निक में सैलोज मुखर्जी और भावेश चंद्र सान्याल के निर्देशन में लेते हैं। तो कला शिक्षा कहाँ हुई मित्रों? दिल्ली पॉलिटेक्निक में हुई। गुरुजी उस टाइम कौन थे? सैलोज मुखर्जी और भावेश चंद्र सान्याल। जीवन के आरंभिक समय में स्वामीनाथन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़ जाते हैं। किससे जुड़ते हैं? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ जाते हैं। 1950 के दशक में स्वामी ने लेफ्ट पत्रिका में पत्रकार और कला आलोचक के रूप में भी कार्य किया। किस पत्रिका में? लेफ्ट वाले में। और जगदीश स्वामीनाथन इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के न्यासी रहे और उसके साथ इंडियन काउंसिल्स फॉर कल्चर रिलेशन के बोर्ड मेंबर भी रहे हैं। 1963 ईस्वी में जे स्वामीनाथन के नेतृत्व में कलाकार ग्रुप 1890 की जो है वो स्थापना होती है। मजदूर आवाज़ नामक कला पत्रिका का संपादन जे स्वामीनाथन ने ही किया है। और आगे बढ़ें तो कहा जाता है जगदीश स्वामीनाथन ग्राफिक कलाओं के अध्ययन के लिए जो है वारसा यानी पोलैंड भी गए थे। तो ग्राफिक कलाओं को पढ़ने के लिए वारसा की यात्रा भी जगदीश स्वामीनाथन किए हैं।
जगदीश स्वामीनाथन ने 1966 में दल के प्रचार के लिए कांट्रा पत्रिका का संपादन भी किया। कौन सी पत्रिका? कांट्रा पत्रिका। जे स्वामीनाथन के चित्रकला, मूर्तकला, ग्राफिक, लेखन और पत्रकारिता में समान अधिकार है मित्रों। किसमें? सभी में। चित्रकला, मूर्तकला, ग्राफिक, लेखन, पत्रकारिता, सभी में समान अधिकार है। 1981 ईस्वी में जे स्वामीनाथन को भारत भवन भोपाल के रूपांकर संग्रहालय स्थापित करने हेतु आमंत्रित भी किया गया था। और आगे बढ़ते हैं तो आगे कहा जाता है, जे स्वामीनाथन ने ओम, स्वास्तिक, कमल, लिंग, सर्प तथा हाथ के छापा का प्रयोग किए जाने, जिसमें बड़े आकार के गहरे तीखे रंगों को जो है गाढ़ा जाता है, प्रयोग किया गया है, उसको जो है इन्होंने बनाया है। जगदीश स्वामीनाथन काल्पनिक ज्यामितीय चित्रण करते थे और इस चित्रों को उन्होंने अंतरिक्ष की ज्यामिति कहा है। अंतरिक्ष की ज्यामिति कहा है। जे स्वामीनाथन ने आदिवासी लोक शैली कला रूपों को सुंदर संग्रहित और रूपांकर कला संग्रहालय के रूप में भी स्थापित कर दिया है। तो आदिवासी और लोक शैली की जो कलाएं हैं वो आपको रूपांकर में देखने को मिल जाएंगी। जे स्वामीनाथन गोड़ और भील जनजाति के लोक कलाकारों को भी प्रोत्साहित करने का काम किए हैं। तो गोड़ और भील जनजाति के कलाकारों को भी प्रोत्साहित किसने किया? जे स्वामीनाथन ने किया है। 1981 में जे स्वामीनाथन ने युवा गोंड आदिवासी लोक कलाकार जनगढ़ सिंह श्याम को भारत भवन में जो है वो परिचय करवाया। और 1982 ईस्वी में जनगढ़ सिंह श्याम को भारत भवन के ग्राफिक आर्टिस्ट की नियुक्ति भी मिल जाती है। जनगढ़ सिंह श्याम गोंड कलाकारों में कागज और कैनवास पर चित्रण करने वाले जो है वो प्रथम कलाकार थे मित्रों, पहले कलाकार बनते हैं। स्वामीनाथन की कलाकृतियों में कैलीग्राफी का प्रभाव भी दिखाई देता है। और जे स्वामीनाथन के प्रमुख चित्र जो हैं, बर्ड एंड माउंटेन है, लिली बाई माई विंडो है, मौन गमन है, अनंत यात्रा है, श्री गणेश है, ट्राइबल सीरीज है, ट्राइबल मोटिप्स है और वर्ड एंड ट्री के साथ माउंटेन सीरीज है, मिनिएचर पेंटिंग है, जर्नी वन है। ये सब प्रमुख चित्र हैं मित्रों जो जे स्वामीनाथन के द्वारा बनाए गए हैं। जे स्वामीनाथन का जो निधन है मित्रों 1994 में होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चंस तो आपको बताना पड़ेगा। अब जे स्वामीनाथन के बाद जे राम पटेल को देखते हैं, ये भी जो है इसी ग्रुप के सदस्य होते हैं, ग्रुप 1890 के। इनका जो समय है 1930 में जन्म और 2016 में दुखद निधन होता है। जे राम पटेल का जन्म 20 जून 1930 को गुजरात के सोजित्र में हुआ था। जे राम पटेल 1950 से 1955 के मध्य जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से जो है वो कला की शिक्षा लेते हैं। जे राम पटेल ने 1957 से 1959 तक सेंट्रल स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लंदन में टाइपोग्राफी और पब्लिसिटी डिजाइन का प्रशिक्षण भी लिया है। यानी टाइपोग्राफी और जो पब्लिसिटी है उसको सीखने के लिए 2 साल लंदन भी रहे हैं, सेंट्रल स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। जयराम पटेल 3 भिन्न माध्यमों में सृजन करते थे मित्रों। एक तो श्वेत साम रेखांकन होता था, दूसरा बोर्ड और कैनवास पर चित्रण होता था, और तीसरा जो है ब्लोटार्च आनबुड होता था, जो कला क्षेत्र में आपकी पृथक पहचान रही है मित्रों, वो जयराम पटेल हैं। जयराम पटेल दो भिन्न माध्यमों में विशिष्ट कार्य करते थे। स्याही से कागज पर रेखांकन तथा लकड़ी और धातु प्लेट पर जो है रिलीफ की रचना जयराम पटेल की ही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन की अगर बात करते हैं तो अहमदाबाद और ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड के साथ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर अहमदाबाद में डिजाइन कंसल्टेंट भी रहे हैं। कौन? जयराम पटेल। वह प्रसिद्ध कलाकार जो अपनी जली जलाई लकड़ी के शिल्पों के लिए प्रसिद्ध होता है, उसका नाम क्या है? तो जली जलाई लकड़ी के लिए जयराम पटेल जाने जाते हैं। नाम याद रखना, ग्रुप 1890 के सदस्य रहे हैं। और आगे बढ़े मित्रों तो और आगे आपका ज्योति भट्ट नाम आता है। ज्योति भट्ट की बात करें तो ज्योतिन्द्र मणिशंकर भट्ट, जिसे ज्योति भट्ट के रूप में जाना जाता है, इनका जन्म 12 मार्च 1934 को भावनगर गुजरात में हुआ था। ज्योति भट्ट को सुप्रसिद्ध चित्रकार, प्रिंट मेकर और ग्रामीण भारतीय संस्कृति के छाया चित्र प्रलिखीकरण करने वाले कलाकार के रूप में जाना जाता है।
ज्योति भट्ट की कला शिक्षा 1953 से 1956 के मध्य एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा में हुई। आगे बढ़ें तो ज्योति भट्ट 1953 ईस्वी में वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से भित्तीय चित्रण का प्रशिक्षण किए। ज्योति भट्ट 1964 से 1966 ईस्वी में प्रांत इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क ग्राफिक कला का प्रशिक्षण लेने गए। 1985 ईस्वी में ज्योति भट्ट हेलोग्राफी के मूलभूत सिद्धांतों के अध्ययन हेतु लंदन भी गए थे। ज्योति भट्ट का प्रारंभिक सृजन पॉप कला के समान आकर्षक और रंगीन रहा है। और आगे बढ़ें तो ज्योति भट्ट का जो प्रिय माध्यम है वो प्रिंट मेकिंग होता है मित्रों, और ज्योति भट्ट विभिन्न माध्यमों में एचिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, सेरीग्राफी, फोटोग्राफी, हेलोग्राफी चित्रण तथा म्यूरल आदि में सिद्धस्थ कलाकार के रूप में जाने जाते थे। पेंटिंग, ग्राफिक, फोटोग्राफी ज्योति भट्ट का महत्वपूर्ण माध्यम है मित्रों। तो पेंटिंग, ग्राफिक और फोटोग्राफी जो है ये ज्योति भट्ट का बढ़िया माध्यम है। वर्तमान में ज्योति भट्ट बड़ोदरा में डिजिटल प्रिंटिंग और हेलोग्राफी में कार्य करते रहे हैं। ज्योति भट्ट को 2019 में भारत सरकार ने चौथा महत्वपूर्ण सम्मान पद्मश्री से अलंकृत भी किया, यानी पद्मश्री प्राप्त होता है। ज्योति भट्ट की जो प्रसिद्ध कृतियां हैं मित्रों, इसमें लिम्पस आता है, स्टिल लाइफ आता है, स्टिल लाइफ विद पेरट, प्रॉब्लम, बणी थणी, अफेश, रामा रामा, वर्षा ऋतु, जल थल नभ, तोता राम जी, हरिजन गर्ल और पैटर्न्स जो ये चित्र हैं मित्रों, ये रचनाएं ज्योति भट्ट की हैं। तो ज्योति भट्ट से जुड़ा हुआ इतना पर्याप्त है। तो आगे बढ़ें, अंबादास के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अंबादास का जन्म अकोला महाराष्ट्र में 1922 में हुआ था। 2012 में इनका दुखद निधन हुआ है। अंबादास ने कहाँ रहकर जो है कार्य किया, तो अंबादास फाइनली दिल्ली में रह करके कार्य किए हैं। अंबादास कब भारत छोड़ करके ओस्लो यानी नॉर्वे बस गए थे, तो 1972 में वो ओस्लो चले गए थे। अमूर्त चित्रकार के रूप में कौन जाना जाता है, तो अंबादास जाने जाते हैं। अंबादास किस पश्चिमी कलाकार के चित्रण कार्य से काफ़ी प्रभावित थे, तो विंसेंट वॉन गॉग और कॉन्डेस्की के चित्रण से ये काफ़ी प्रभावित रहे हैं। अंबादास महाराष्ट्र से दिल्ली कब आए, तो मित्रों ये 1960 के आसपास आए हैं। और अंबादास किस कलाकार समूह के सदस्य थे, तो अंबादास जिस कलाकार समूह के सदस्य थे वो ग्रुप 1890 ही रहा है। अंबादास चित्रकला का डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त करते हैं मित्रों, तो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से इन्होंने चित्रकला में डिप्लोमा लिया है। अंबादास के प्रमुख चित्रों की बात करते हैं, तो पहरेदार रचना कैनवास पर तैलीय रंग में इन्होंने बनाई है 1966 में, अच्छी रचना है। समय की तलछटी या तलछट बात करें तो ये भी कैनवास पर तैलीय रंग में बनाया है, अंबादास की रचना है। रूप भेद को दर्शाते हैं कैनवास पर तैलीय रंग में मित्रों, अच्छी रचना है, अंबादास की ही बताई जाती है। तो ये भी ग्रुप 1890 के प्रमुख सदस्यों में रहे हैं। 2012 में दुखद निधन होता है, ये बात भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ें, अगला कलाकार देखेंगे, गुलाम मोहम्मद शेख। 1937 इनका कार्यकाल होता है। गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो 16 फरवरी 1937 को सुरेंद्र नगर गुजरात में गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म हुआ है। गुलाम मोहम्मद शेख किस रूप में प्रसिद्ध है मित्रों, तो अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार, लेखक और कला समालोचक के रूप में जीएम शेख जाने जाते हैं। गुलाम मोहम्मद शेख ने कला अध्ययन किया, प्रारंभ में ललित कला संकाय बड़ोदरा और उसके पश्चात रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लंदन में इन्होंने कला का अध्ययन किया है। गुलाम मोहम्मद शेख ने 1960 ईस्वी में अपने कैरियर की शुरुआत ललित कला संकाय और एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में कला शिक्षक के रूप में किया है। कैरियर की शुरुआत कहाँ से किए, ललित कला संकाय एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से किए हैं। 1960 में गुलाम मोहम्मद शेख की चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी जहांगीर आर्ट गैलरी में लग जाती है। और 1987 का दौर आता है, तो 1987 से 2002 ईस्वी में गुलाम मोहम्मद शेख शिकागो कला संस्थान में विजिटिंग आर्टिस्ट के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। आगे बढ़ा जाए, आगे पूछा गया ग्रुप 1890 में सक्रिय सदस्य थे, तो ग्रुप 1890 में जो सक्रिय सदस्य थे ये गुलाम मोहम्मद शेख ही थे। और गुलाम मोहम्मद शेख कला समीक्षक और कला इतिहासकार भी थे, तो कला समीक्षक और कला इतिहासकार के रूप में कौन नाम आता है, गुलाम मोहम्मद शेख का नाम आता है।
विख्यात चित्र कश्मीर किसका, कश्मीर किसका ये मित्रों रचना कोलाज स्याही पे है, 2005 में बनी है। ये कश्मीर किसका रचना गुलाम मोहम्मद शेख का ही है, याद रखिएगा। कौन कलाकार, मैम्पा मुंडे, दुनिया का मध्य यूरोपीय नक्शा श्रृंखला पर कार्य किया है। तो मैम्पा मुंडी की बात करें तो गुलाम मोहम्मद शेख ने फाइनलिस्ट पे कार्य किया है। और आगे बढ़ते हैं तो नीली तस्वीर जिसमें कहावत है, कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटे छोटे मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है और इनकी रचना की है, तो ये गुलाम मोहम्मद शेख ही है। वर्ष 2003 का कागज पर ग्वास माध्यम में निर्मित चित्र एक अचंभा देख रे भाई, इसके चित्रकार कौन है, तो एक अचंभा देख रे भाई रचना भी गुलाम मोहम्मद शेख की ही बताई जाती है। गुलाम मोहम्मद शेख अपनी कलाकार पत्नी नीलिमा शेख के साथ कहाँ रहते हैं, तो मित्रों ये बड़ौदा में रहते हैं। और गुलाम मोहम्मद शेख को ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिलता है, तो जीएम शेख को ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार 1962 में दिया जाता है। आगे बढ़ें तो आगे कहा जाता है पद्मश्री पुरस्कार गुलाम मोहम्मद शेख को कब दिया गया, तो पद्मश्री की बात आती है तो 1983 बनता है। कालिदास सम्मान की बात आए तो गुलाम मोहम्मद शेख को मध्य प्रदेश सरकार देगी 2002 में। गुलाम मोहम्मद शेख को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण मिलता है, तो पद्म भूषण इन्हें 2014 में सम्मानित किया जाता है मित्रों। और जब गीएम शेख की बात आए तो शेख द्वारा 1974 में गुजराती कविताओं का संग्रह अथवा अथवा के नाम से किया है। किस कलाकार ने घर जतन शीर्षक से गद्य श्रृंखलाएं भी लिखी, घर जतन शीर्षक से गद्य में भी काम किया है, तो गुलाम मोहम्मद शेख ने ऐसा काम किया है। कला पत्रिका वृश्चिक, कला पत्रिका वृश्चिक का संपादन जो है वो किसने किया था, तो गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा किया गया है। गुलाम मोहम्मद शेख पेंटर प्रिंटमेकर के साथ साथ लेखक कवि और कला समीक्षक हैं। और आगे बढ़ें तो गुलाम मोहम्मद शेख की शैली पर भारतीय लघु चित्रण का प्रभाव भी देखने को मिल जाता है। गुलाम मोहम्मद शेख के चित्रों में स्वप्न फंतासी और यथार्थ का जो है वो मिश्रण दिखाई देता है। प्रख्यात चित्र की बात करते हैं तो बोलती सड़क यानी स्पीकिंग स्ट्रीट्स, उसके तहत शहर बिकाऊ है, यह चित्र 1981 का है और 84 में बन के पूर्ण हो जाता है। किसने बनाया, तो शहर बिकाऊ है या फिर बोलती सड़क की बात करें, गुलाम मोहम्मद शेख की अच्छी रचनाओं में शुमार है। आगे बढ़ा जाए जो अगला पॉइंट आता है, गुलाम मोहम्मद का प्रसिद्ध चित्र शहर बिकाऊ है विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है, कि केंद्र में किस फिल्म को दर्शाया गया है, तो मित्रों सिलसिला फिल्म को फाइनली शहर बिकाऊ है में दर्शाने का प्रयास किया गया है। गुलाम मोहम्मद शेख ने अपने किस चित्र को गुजरात के दंगों से प्रेरित होकर के बनाया, तो शहर बिकाऊ है ये भी गुजरात के दंगों से प्रेरित होकर के रचना बनाने का प्रयास किया गया। और आगे बढ़े मेघदूत, 1988 ईस्वी कैनवास पर तैलीय माध्यम में चित्र किसका है, तो मेघदूत रचना भी गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा बनाई गई अच्छी रचनाओं में शुमार है। प्रसिद्ध चित्र निहारिका के चित्रकार कौन है मित्रों, तो निहारिका रचना जो है ये गुलाम मोहम्मद शेख की ही अच्छी रचना है। और गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र द ट्री ऑफ लाइफ, द ट्री ऑफ लाइफ कैनवास पर तैलीय रंग का है, कहाँ सुरक्षित है, तो बडेरा आर्ट गैलरी नई दिल्ली में आपको ये देखने को मिल जाएगा द ट्री ऑफ लाइफ। तो ये ग्रुप 1890 से जुड़े हुए कुछ खास खास कलाकार रहे हैं मित्रों। उम्मीद है कलाकारों के नाम समझ में आए होंगे, कलाकारों की जो रचनाएं हैं वो भी समझ में आई होंगी। अब आज की क्लासें कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं शोर में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।